तरीके से धनाबाहु रामा सबना महिमा रोपबै हम नए तरीके से धनाबाहु रामा सबना महिमा बीज उपचार करी फसल बढ़ब बीज उपचारी करी उपज बढ़बाए बनाबै हम सफल किसान बाहु रामा। हमरा गांव में आईली एकरा लेल हमरा बड़ा खुशी लगैया। अपने सबके हमर प्रणाम। नाम ललिता देवी है, गांव के नाम बसीपुर कटरमाला है। हम गांव के वीआरपी हती। ऐसे तो अपने सबके पता है कि हमर गांव सब्जी के खेती के लेल प्रसिद्ध है, लेकिन आज हम सब्जी के खेती ना अपने सबके धान के खेती और नया तरीका से कैसे होले से हम बतावे के लेल आईली है। तो कुछ दीदी हतन जे हमरा साथे धान के खेती कैलन है, उनका सबके भी अपने मुँह से सुन लो। लाल धन कंगी देवी के खेत में बैठल हती। अच्छा, तो हम ऐसा करे छी अपने सब उनकर जुबान से ही सुन लूं कि उनकर अनुभव की रह लिए। हमर नाम तो कमली देवी है। इनकी बार हम नए तरीका से खेदान रोप ली है। इनकी बार हम 10-10 इंची के दूरी पर एक एक गो बिचरा लगा ले छे। पहले तो सोचते रही है एगो बिचरा रोपबे तो होता है कि ना। हमर बेटा रोपत रहे ना, उस समय में हम तो बहुत गुस्सा भेलिए रह। तखनी हम कहते रही कि एगो एगो रोपे से कथी होते, माथा पर हाथ कपार पटत रहिए कि हमरा होता है कि ना। लेकिन ये तो बहुत बढ़िया भेल है। देखिए एक पेड़ से कितने पेड़ दे 35-36 गो पेड़ देखिए जड़ में कितने जड़ दे देखे छे। इनकी बार बाल खखरो नहीं भेल है। पहले तो हम रोपत रहिए जैसे तैसे एक मीटा पर कनू एक फुट पर रोप दैत रहिए तो 3-4-5 फुट कर रह जात रहे। इतना बढ़िया खेती जो भेल है से कीड़ा छे कैसे भेल है सुनै छी। हम 10-10 इंची पर दूरी पर रोपाई कैलिए। एकरा बाद जब धान में दुधिया समय रहे वो समय ध्यान ध के पानी दिलिए खूब बड़का बड़का झुराठ भेल। देखियो एक पेड़ के बाल छे कते छे। पहले तो हमरा खेत में तीन चार बोरा बहुत रहे, 2.5 कट्ठा खेत है। लेकिन इनकी बार 6-7 बोरा जरूर होता है। खखरा न ये कारण धान बढ़ जाते। कमली देवी के तो अनुभव अब अपने सके पता हो ही गेल। अब चलो चले ले मालती देवी के घर। हे ललिता कहाँ जाला सुना था? आवे ले मालती देवी के घर से इनका सके मिला के। हमरे नाम है मालती देवी। हमू नए तरीका से हम की धान रोपी तमकी हमरा उपज ज्यादा भेलक। पहले जैसे तैसे रोप देते रहिए, चारों रूप रोप देते एको बित्ता पर हो जाते रहे, कहूँ घन हो जाते रहे, कहूँ अलग हो जाते रहे। पहले चार गो रोप देते रहे। आम की एक ही गो रोप ली है तब की दूरी दूरी पर रोप ली है तो बीचरो कम लागल है। दुधिया उस टाइम पानी पटल है तो खखरियो कम है। पहले हमरा 1.25 कट्ठा में 80 किलो होते लकड़ा, आम की हमरा 2 क्विंटल भेलक। मतलब 2 गुना से हमरा ज्यादा भेलक। बहुत मुश्किल बात न है, बहुत साधारण बात है। बस ध्यान देवे के है 8-10 इंच के दूरी पर रोपाई करे के। जब दूध भर जाए तो उसमें पानी पटावे के जैसे कि हम कैली है। की है रीना दीदी, धान के सफाई कर रही है? हाँ, धान तो काट ले ली, अब सफाई कर रही है। अच्छा दीदी, अपने ये धान के खेती जो नया तरीका से कैली है एक अनुभव थोड़ा बता दू। हमारा नाम है रीना देवी। ऐसे तो हम सब्जी के खेती करत रही, लेकिन इस बार वीआरपी दीदी बतायलन कि नया तरीका से धान के खेती करू उससे ज्यादा उपज होए। तो हम सोच लिया कि काहे न एक बार नया तरीका से खेती करके देखिए लिए। अब हम बताइया खेती लेके धान के रोपाई कैली। बाल के किसान के कट्ठा में 50-60 किलो होलक, लेकिन हमारा तो 1 क्विंटल होलक, तो हम बहुत खुश हती। बाकी किसान से अलग बीज के उपचार कैली, 10-10 इंची पर एक बिचरा के रोपाई कैली। बाकी किसान जैसे तो पानी देवे के लिए, लेकिन दुधिया अवस्था में ध्यान दे के पानी भी देली। उसे तो धान में खखरी बहुत कम होलै, दाना पुष्ट होलै, बहुत खुश हती। हम किसान से का चाहले, यही ना चाहले कि उपज अच्छा हो। उपज अच्छा होता है तब ना हम से आगे विकास करवाई, तो बाल बच्चा के पढ़ाई अच्छा से। ये तरीका तो हमारा बहुत आसान लगल, कोई भारी ना है, अपना ही से कर सकती है। अच्छा, अपने से कि हमारा गांव के किसान से मिल के कैसन लगन? उम्मीद है कि अच्छा ही लगल हुई। अभी तक तो अपने 3 ही किसान से मिली है, ऐसा बहुत सारे किसान हतन
जो नया तरीका से धान के खेती कैलन है। उम्मीद है कि अपने सब भी फसल के उपज बढ़ावे ला चाहिए। देरी कौन बात के है, नया तरीका अपनाओ, उपज बढ़ाओ। आना बेचिए हम बेटी के पढ़बाई, धाना बेचिए हम बेटी के पढ़बाई, बेटी बनते हमर दरोगा बहुरा, माँ आबे दसी दिनवा। रोपबै हम नए तरीके से धनवा, हो रामा सबना।